अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है जीमेल से रिलेटेड है। जीमेल कैसे रिमूव करनी है? एक तो होती है ना रिमूव करना, और एक होता है बिल्कुल ही सफ़ा हस्ती से उसे मिटा देना। आज मैं इंशाल्लाह आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि कैसे आपने इसको रिमूव करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लें जी, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर ओपन करके ना इसमें चेक करना है कि कितनी आइडियाँ हमारी लगी हुई हैं इसके अंदर। मेरी फ़िलहाल इसमें दो आईडीज़ लगी हुई हैं, तो मैंने नीचे वाली रिमूव करनी है, डिफ़ॉल्ट राजपूत वाली। आपने कोई भी गूगल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, जैसे ये मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन करके आपने ये राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है जहाँ ये मेरी पिक लगी हुई है। तो ये दो आईडियाँ मुझे शो हो रही हैं, तो मैं ये नीचे वाली पे क्लिक कर लेता हूँ। अब दोबारा इसको राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी, मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस। इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। लो जी, क्लिक हो गया है। अब ये हम गूगल में जाते हैं। यहाँ मुझे दोनों आईडीज़ शो हो रही हैं, मैंने कौन सी रिमूव करनी है, नीचे वाली रिमूव करनी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मोर पे जाते हैं। ये देखें, लास्ट में ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, रिमूव अकाउंट। ठीक है, हम रिमूव अकाउंट पे करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि भाजन, रिमूविंग दिस अकाउंट विल डिलीट ऑल ऑफ इट्स मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स एंड अदर डाटा। वो कह रहे हैं अगर अकाउंट रिमूव करोगे तो भाजन आपका जो सा है ना अकाउंट, मैसेजेस और हर चीज़ जो सी है वो डिलीट हो जाएगी उसमें से। तो कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अब रिमूव करना तो फिर करते हैं। ये रिमूव हो गया। दोबारा प्ले स्टोर में जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं कितनी आईडीज़ हैं। एक ही आईडी अब नज़र आएगी आपको। खैर, ये तो था जी एक तरीका। ये मैंने आपको बताया लॉग आउट का मतलब तरीका। ये इसे आप लॉग इन कर सकते हैं दोबारा किसी भी मोबाइल में, बशर्ते है कि आपको आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल ही उसको डीएक्टिवेट करना है, बिल्कुल ही सफ़ा हस्ती से मिटाना है, तो उसका तरीका भी देख लेते हैं। आज हैं स्क्रीन पर। इसमें भी आपने सिंपल गूगल में जाना है, गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपने ही राइट कॉर्नर पर क्लिक करना है। राइट कॉर्नर पर क्लिक किया, अब यहाँ ऑप्शन आ रही है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो ऑप्शन है ना ऊपर, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डाटा एंड प्राइवेसी पे आपने जाना है। ओके, हो गया। अब यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी, ये आती है डिलीट सर्विस, डिलीट आ गूगल सर्विस। यानी कि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल की सर्विसेज जो उनसी होती हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर में आपके जो डाटा सेव होता है, वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह गूगल में जो आपके सेव होते हैं, आईडी पासवर्ड वगैरह जो सेव होते हैं, यानी वो अगर आप नहीं चाहते, उनको नहीं रखना चाहते, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन जो होती है ना वो यहाँ पे है डिलीट योर अकाउंट, ये ऑप्शन है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका जो अकाउंट है ना वो सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, यानी उस तरह का अकाउंट था ही कोई नहीं, ऐसा होगा। या आ गया, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, मैं फ़िलहाल इसको रिमूव नहीं करना चाहता, तो मैं ये इसलिए यहाँ पे पासवर्ड नहीं दूंगा, लेकिन मेथड यही है जो मैंने आपको बताया।